इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे और इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज आप लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर रही होगी और आप लोगों ने मेरे प्रीवियस जितने भी सेशंस हैं उनको देख लिया होगा और डेली उनको अपने रूटीन में इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। इफ यस तो फिर देर मत करिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और चलिए सीखते हैं आज के 10 वर्ड्स जो कि मैं आपको एक रूट वर्ड की हेल्प से सिखाऊंगी। तो चलिए देती हूँ आपको आज का रूट वर्ड्स और आज का रूट वर्ड है आपका मेनिया। आज का रूट वर्ड है आपका मेनिया। मेनिया क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लत होना, व्यसन होना, किसी चीज के प्रति जुनून होना। इसका मीनिंग होता है आपका मेनिया का मीनिंग है लत, व्यसन या जुनून किसी चीज के प्रति। तो चलिए बनाते हैं मेनिया से डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स और देखते हैं उसका मीनिंग क्या होता है। पहला आपका वर्ड है क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया अगर किसी को है इसका मतलब वो आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है लेकिन फिर भी क्या करेगा, चोरी। तो जिसे चोरी करने की लत होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो आर्थिक रूप से कमजोर है या नहीं है, तो हम कहते हैं उसे क्या हो गया है, क्लेप्टोमेनिया हो गया है। नाउ द सेकेंड वर्ड जो मेनिया रूट वर्ड से हमने बनाया है दैट इज मेगेलोमेनिया। अब मेगेलोमेनिया का मतलब होता है कि आपको अपनी शक्ति पर अतिशयोक्तिपूर्ण विश्वास हो, यानी आपको ये व्यसन हो कि मैं अपनी शक्ति, ऐसा जुनूनी उत्साह हो कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, तो हम कहेंगे कि आपको क्या है, मेगेलोमेनिया है। राइट, नाउ द थर्ड वर्ड जो हम यहाँ से देखते हैं मेनिया रूट वर्ड से दैट इज मिथोमेनिया। आप इतना झूठ बोलते हैं कि आपको लत पड़ जाए, झूठ बोलने की जिसे व्यसन हो जाए, तो हम कहेंगे उसे क्या हो गया, मिथोमेनिया हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मोनोमेनिया। किसी एक चीज की आपको लत लग जाए या कोई एक किसी एक वस्तु के प्रति, किसी एक बात के प्रति आपको अगर जुनूनी उत्साह है, तो हम कहेंगे कि आपको मोनोमेनिया है या दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मोनोमेनिया। नेक्स्ट आपको याद रखना है ईगोमेनिया। ईगोमेनिया का मतलब है सिर्फ अपने आप से प्यार करना, सिर्फ अपने आप के बारे में ही सोचना। इस तरीके की अगर आपको लत लग गई है तो आपको हो गया है ईगोमेनिया। नेक्स्ट आपको याद रखना है बिब्लियोमेनिया, जो कि बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। अगर आपको किताबों को रखने की, किताबों को इकट्ठा करने की अगर आपको व्यसन है, आपको लत है, आप ढेर सारी किताबें अपने पास लेना चाहते हैं, देन बिब्लियोमेनिया हो गया है आपको। नेक्स्ट आप याद रखेंगे डिप्सोमेनिया। अगर शराब पीने की आपको लत लगे या शराब पीने की आपको लालसा हो, इसका मतलब आपको हुआ है डिप्सोमेनिया। तो ये सारे वर्ड्स हमने एक ग्रीक रूट वर्ड मेनिया से देखे। आई होप आप लोगों को मजा भी आया होगा और आप लोगों ने सीख भी लिए होंगे। एक आध बार इनको रिवाइज करिएगा, आपको याद हो जाएंगे, लेकिन इन्हें डेली अपनी वोकैबुलरी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए रोज इन्हें इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूले। अपनी बातचीत में जब भी कॉन्वर्सेशन करें इन वर्ड्स को यूज करते रहिए। तो चलिए आज जितने भी वर्ड्स हमने सीखे हैं मेनिया रूट वर्ड से, एक बार उसे फटाफट से रिवाइज और कर लेते हैं। मैंने मेनिया रूट वर्ड का आपको मतलब बताया, उसका मतलब होता है व्यसन या लत। उससे हमने कौन कौन से वर्ड्स बनाए, ईगोमेनिया, डिप्सोमेनिया, बिब्लियोमेनिया जिसका मतलब होता है किताबों को इकट्ठा करना, देन हमने देखा मोनोमेनिया जो सिर्फ अपने किसी एक बात के लिए जिसमें जुनून होता है, ईगोमेनिया का मतलब हुआ जो सिर्फ अपने आप से प्यार करता है, नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा मिथोमेनिया झूठ बोलने की जिसे आदत होती है, क्लिप्टोमेनिया का मीनिंग हमने क्या देखा था आप मुझे बताइए, क्लिप्टोमेनिया और मेगेलोमेनिया का मीनिंग क्या था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इसी तरीके से इस सेशन को देखने के लिए आप जुड़े रहे इंग्लिश वोकैबुलरी के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।